बेलतरा विधानसभा सीट में कांग्रेस की तरफ से करीब 17 लोगों ने दावेदारी पेश की है, उनमें से एक दावेदार त्रिलोक श्रीवास हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके जो भी आपने कांग्रेस के लिए किया है या जिन पदों पर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। नमस्कार, मैं कांग्रेस में AICC का मास्टर ट्रेनर रहा हूँ। 2007 में हम लोगों ने राहुल गांधी जी के साथ 10 दिन तक का ट्रेनिंग लिया था। कांग्रेस के OBC सेल का मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर रहा हूँ और कांग्रेस में बहुत सारे संगठनों के पोस्ट में रहा हूँ। वर्तमान में भी मैं अभी मेरी पत्नी जनपद पंचायत बिल्हा की सदस्य और जनपद पंचायत बिल्हा में सभापति है। मेरी भाई बहू जिला पंचायत सदस्य है बिलासपुर में और वहाँ के भाजपा जिला अध्यक्ष को हम लोग हराए थे। तो कांग्रेस में मैं चुनावी तैयारी पिछले 20 वर्षों से कर रहा हूँ। सीपत बेलतरा विधानसभा से मैं पिछले 25 वर्षों से मैं सक्रिय हूँ। मेरे पिताजी और मेरा परिवार पिछले 50 वर्षों से वहाँ सक्रिय है और विगत 20 वर्षों से लगातार हम लोग स्थानीय निकाय के चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2003 में आपके जो पार्टी के कैंडिडेट थे उन्होंने जो वहाँ के बद्रीधर दीवान थे उनसे वोट का मार्जिन महज 299 वोट का मार्जिन रहा था, तो कहीं ना कहीं वो उस वक्त हार गए। लेकिन पिछली बार भी जो इलेक्शन हुए उसमें कहा गया कि भीतरघात की वजह से पार्टी चुनाव हारी। देखिए, बहुत ज़्यादा भीतरघात की गुंजाइश नहीं है क्योंकि अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भूपेश बघेल जी, चरणदास जी महंत और TS सिंहदेव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में संकल्प शिविर चलाया है और सारे जो दावेदार हैं सारे दावेदारों ने सार्वजनिक रूप से ये सौगंध खाया है कि जिस किसी को भी टिकट मिलेगा वो सहयोग करेंगे। और इस बार कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए आतुर है, तो भीतरघात की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट तौर पर स्पष्ट है कि जिस किसी भी व्यक्ति को, मुझे हो या किसी को भी, यदि विधायक बनना है तो पार्टी का जो वोट बैंक है, एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है, उसके साथ साथ आपको व्यक्तिगत जनाधार क्या है, आपको पर्सनल वोट क्या है, वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है चुनाव में। जी, तो जिसको भी चुनाव लड़ना है या जितना है विधायक बनना है तो वो तो पहले तैयारी ये कर ले कि व्यक्तिगत वोट उसके पास 10 से 15 हज़ार रहे, तब वो विधायक बनने की सोचे। जी सर, दिक्कत वही है कि कांग्रेस में जो है एकता ही नहीं हो पाती और शायद इसी वजह से चुनाव पिछला नहीं निकाल पाए। लेकिन अगर मैं बेलतरा के मुद्दों की बात करूं तो आपको क्या लगता है सबसे बड़े मुद्दे क्या होने वाले हैं? बेलतरा में मुद्दे ही मुद्दे हैं। वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा हमारे स्थानीय विधायक की निष्क्रियता, उनकी अकर्मण्यता, उनका किसी भी प्रकार से क्षेत्र में सक्रिय न होना। ऐसे बेलतरा के लिए ऐसा कोई कार्य उन्होंने 15 साल तक किया ही नहीं है। 15 साल से प्रदेश में जिस पार्टी से विधायक जी आते हैं उस पार्टी की सरकार रही है, लेकिन आज भी बेलतरा पूरा विधानसभा आपको एक कस्बा रूप में रखता है, देहात लगता है। बेलतरा हमारा जो विधानसभा मुख्यालय है वहाँ थाना नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ तहसील का दर्जा नहीं है। और पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 15 सालों में हमारे विधायक ने ऐसा कोई उपलब्धि कार्य नहीं किया है कि बेलतरा क्षेत्रों में कोई एक मॉडल स्कूल खुलवाया हो, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, कोई बड़े कॉलेज खुलवाए हो, ऐसा कुछ वहाँ पर उपलब्धि है ही नहीं। बेलतरा का जनमानस तो सारी की सारी जन समस्याओं से घिरा हुआ है। न वहाँ रोडें अच्छी हैं, न बिजली वहाँ आती है, न पानी की वहाँ समस्या पूरा समाधान हो पाता है, न ही स्वास्थ्य का कोई अच्छा कारण है। वहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और बेलतरा एक प्रकार से एक ही विकास हुआ है कि 15 सालों में, विशेषकर 10 सालों में विधायक जी के रहमो करम से धूल गुबार और धुआं कोयला का एक कोलवासरी का पूरा गढ़ बेलतरा बन चुका है। आप जो पार्टी में कांग्रेस में तो लगातार सक्रिय है, इसके साथ ही आप सैन समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसमें आपने कैसे सैन समाज के लिए काम किया अभी तक? जी, मैं सर्व सैन समाज छत्तीसगढ़ का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। पूरे प्रदेश में हमारे समाज की तादाद 10 लाख से ज़्यादा है और पूरे 90 विधानसभा में ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहाँ सर्व सैन समाज के 4000 से लेकर 14000 और 20000 तक के मतदाता है। हम लोगों ने सामाजिक एकीकरण किया है। हमारे समाज का रुझान, मैं जिस पार्टी में हूँ उसकी विपक्षी पार्टी को थोड़ा ज़्यादा रहता था, हम लोगों ने इस बार उसको पूरा रुझान को कांग्रेस की ओर मोड़ने का काम किया है। और हम लोग ये मांग करते आ रहे हैं कि हमारे समाज से, क्योंकि हम लोग पिछड़े वर्ग में भी अति पिछड़े वर्ग में आते हैं और यदि हमारे समाज में योग्य और काबिल लोग हैं तो कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिलना चाहिए। अभी बहुत ही 3 सालों में समाज में अभूतपूर्व जागरूकता आई है और संगठन की भावना का एक तरफा विकास हुआ है। हम लोगों ने पिछले 10 महीने में ही पूरे प्रदेश में
150 स्थानों पर सामाजिक कार्यक्रम किए हैं। तो समाज के लोग चाहते हैं कि समाज का कोई व्यक्ति विधायक बने, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, यदि हमारी पार्टी टिकट देगी तो मैं तो कांग्रेसी हूँ, मुझे टिकट मिलेगा तो मैं कांग्रेस में रहूँगा, नहीं मिलेगा तो भी मैं कांग्रेस में रहूँगा, मेरे DNA में कांग्रेस है। परंतु यदि समाज के सहयोग चाहिए तो कांग्रेस यदि मुझे अवसर देती है या समाज के किसी और व्यक्ति को अवसर देती है तो हमारे समाज का 90-95% समर्थन उस पार्टी को मिलेगा। जी सर, सेन समाज के साथ आप ऐसा दावा किया गया था कि जो बेलतरा में करीब 75 सरपंच हैं उनमें से आपकी तरफ से दावा किया था गया था कि 68 सरपंचों ने लिखकर आपके पक्ष में दिया है कि आपको वो दिया जाए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आपको पूरी पूरी सच्चाई है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 76 पंचायत हैं और 130 गाँव हैं। उस 76 पंचायतों में 90% पंचायत प्रतिनिधियों ने मेरे पक्ष में लिख कर दिया है समर्थन का पत्र, हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के प्रभारी महासचिव को दिया है, और 60 से ज़्यादा सरपंच यहाँ रायपुर आके बड़े नेताओं से मिले थे, और पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा जितने भी वहाँ सामाजिक जो हमारा ढांचागत है, चाहे हमारा आदिवासी समाज हो, अनुसूचित जाति समाज हो, पिछड़े वर्ग के आने वाले हमारे साहू समाज हो, कुर्मी समाज हो, यादव समाज हो, सेन समाज हो, हमारे पटेल समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, अधिवक्ता संघ हो, सारे समाजों का समर्थन बहुसंख्यक रूप से मेरे साथ है, बहुमत मेरे पक्ष में है। सिर्फ आला कमान का विश्वास, आला कमान कांग्रेस का आशीर्वाद मिल जाएगा तो निश्चित रूप से सारे पंचायत प्रतिनिधिगण और सारे समाज के लोग मुझे निश्चित रूप से प्रचंड मतों से विजयी बनाएंगे। जी बिल्कुल, पिछली बार भी सर हमने देखा था कि आपकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही थी, लेकिन एन वक्त पर वो क्या वजह रह गई थी जिसकी वजह से आप टिकट से चूक गए? पिछले बार ऐसा कुछ हो गया था, कांग्रेस को तो बड़े नेता बताएंगे क्यों चूका। मैं 2008 में भी मेरी दावेदारी प्रबल थी, 2013 में तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और निश्चित ही यदि स्वर्गीय नंद कुमार जी पटेल रहते तो मुझे टिकट मिलता और मैं जीतता। अंतिम समय में आलाकमान ने कुछ ऐसा निर्णय लिया होगा, पार्टी के शीर्ष स्तर पर कुछ ऐसे हुए कि टिकट मुझे नहीं मिल पाया, नहीं तो आज मैं विधायक रहता। अब वो क्यों नहीं मिला, क्या बातें हुई, ये तो पार्टी के अंदर खाने की बात है और बड़े नेता ही हमारे बता पाएंगे ऐसा क्या हुआ। सर, बद्रीधर दीवान जी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वो बुजुर्ग हो चले और इस बार संभावना है कि वो चुनाव नहीं भी लड़े, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप फाइट में वापस आ जाएंगे, क्योंकि एक बड़े कद्दावर नेता हैं बद्रीधर जी दीवान, तो आपको लगता है कि इस बार आपको 100% ये सीट निकलेगी आपकी कांग्रेस की? बिल्कुल, इस बार एक कांग्रेस की सीट 100% निकलेगी। बेलतरा पुराना सीपत हमारा कांग्रेस का परंपरागत सीट रहा है। योग्य उम्मीदवार, मैं फिर से कहूँगा, योग्य उम्मीदवारों का चयन करने में पार्टी से चूक हुई थी, इस बार निश्चित ही मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि पार्टी इस बार, हमारे पार्टी का तो पहला ही ये विचार चल रहा है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उन पर पार्टी जो है दाव लगाएगी, जो जीतने वाले दावेदार हैं, तो जो लोग क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे, लोकप्रिय रहेंगे, जिनका व्यक्तिगत जनाधार रहेगा, कार्य रहेगा, व्यवहार रहेगा, वो लोग जीत के आएंगे। निश्चित ही इस बार कांग्रेस बेलतरा विधानसभा चुनाव जीतेगी। सर, आप पारंपरिक सीट की बात कर रहे हैं तो 98 में भी यहाँ से बसपा जीती थी शायद, तो फिर कैसे कहाँ चूक हो रही है कि इतने सालों से कांग्रेस वहाँ पे रिटर्न? 98 में जो चुनाव हुए थे उसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के 4 नेता पार्टी से अलग जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ दिए थे आक्रोश होने के कारण से, और मैं पुराने समय में नहीं जाना पाऊँ चाहूँगा। उस समय यदि वो जो असंतोष था उसको यदि बना लिया जाता, समझा लिया जाता, तो 98 में भी हम ये सीट जीतते। सर, वही मैं बात कर रहा हूँ कि लगातार वहाँ पर जो है भीतरघात की वजह से हार रही, मान लीजिए पार्टी ने आपको टिकट दे दिया तो आप कैसे इस भीतरघात से बचेंगे? सर देखिए, हम लोग क्षेत्र में 25 वर्षों से सक्रिय हैं, उस क्षेत्र में आज स्थानीय और क्षेत्रीय उम्मीदवार की मांग है, इस क्राइटेरिया के मापदंड में भी हम लोग खड़े उतरते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले 20-25 वर्षों से स्थानीय निकाय के जो पंचायत चुनाव हैं, सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत हैं, वो चुनाव हम लोग जीतते आ रहे हैं। ये चुनाव तो गैर दलीय आधार पर होते हैं और इस चुनाव में हम लोगों ने सफल हुआ है, तो इसलिए सफल हुए कि हमारा जमीनी जो है धरातल पर हमारा जो जनाधार है वो मजबूत है। यदि मुझे चुनाव में मदद मिलेगा, टिकट मिलेगा, तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बाकी जो क्षेत्रीय जो भी लोग हैं, बहुत सारे सामाजिक लोग हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अन्य भी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी हमको खुल के मदद करेंगे। आपकी तरफ से क्या एफर्ट किया जाएगा सर भीतरघात से बचने के लिए, आप क्या स्पेशल एफर्ट करने वाले हैं? देखिए, भीतरघात तो तब होता है
जब सामने वाला उम्मीदवार कमज़ोर हो या अयोग्य हो, ना तो मैं कमज़ोर हूँ ना मैं अयोग्य हूँ, है ना। और भीतर घात का खतरा उसको हो जो व्यक्ति नया हो या जिसकी ज़मीनी पकड़ ना हो। बेलतरा विधानसभा में, आपको पहले कहा, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 76 पंचायत है, 130 गांव है, नगर निगम बिलासपुर में आने वाले 7 वार्ड हैं, 2,03,000 मतदाता हैं और 250 बूथ हैं। ऐसा कोई जगह ही नहीं है गांव या शहर के वार्ड या बूथ जहां त्रिलोक श्रीवास की व्यक्तिगत टीम ना हो। तो कांग्रेस की टीम और मेरी व्यक्तिगत टीम जब एक साथ काम करेगी तो भीतर घात और खुला घात कहाँ से सरकार रखना है। सर, अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप चुनाव लड़ते हैं तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि एक पढ़ा लिखा नवयुवक त्रिलोक श्रीवास, एक सामान्य घर परिवार किसान का बेटा, ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति, आपके बीच में 20 सालों से 25 सालों से संघर्ष कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, बहुत सारे जगहों पर लड़ रहा है, मुझे यदि पार्टी अवसर देती है तो आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। और मैं, बाकी लोग तो बेलतरा के नेता होंगे, मैं तो पहले वहाँ का भाई और बेटा हूँ, बेलतरा के स्थानीय व्यक्ति हूँ, मुझे अपना समर्थन, साथ और सहयोग देंगे। मैं ऐसा आप सभी के, आपके चैनल के माध्यम से बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से और निवासियों से अपील करता हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के दावेदार बेलतरा से, जो कि बताते हैं कि कांग्रेस में फिलहाल अभी तक जो भी कुछ जो इलेक्शन हुए उसमें एक मजबूत चेहरा नहीं उतर पाया है, और जाहिर तौर पर वो करीब 25 साल से राजनीति में सक्रिय है, और अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ये सीट 100% कांग्रेस के पाले में ही आएगी। आपसे आग्रह है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और ताज़ा वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।